53 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने की थी सगाई, लेकिन शादी से पहले ही होने वाले पति ने कर ली आत्महत्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वेटरन एक्ट्रेस नंदा की 7वीं डेथ एनिवर्सरी है। उनका निधन 25 मार्च 2014 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम नंदा कर्नाटकी था। बॉलीवुड में शुरू में नंदा की इमेज छोटी बहन की थी। उन्होंने कैरियर के शुरुआती दौर में ज़्यादातर फिल्मों में छोटी बहन का रोल निभाया था, लेकिन उन्होंने इसके बाद इसे बखूबी बदला। अपनी उम्र के 72 साल परिवार को देने वाली नंदा को अधेड़ उम्र में उस दौर के फिल्म मेकर मनमोहन देसाई से प्यार हुआ था। 1992 में तकरीबन 53 साल की उम्र में नंदा ने उनसे सगाई भी की थी, लेकिन उनके नसीब में शादी नहीं थी। शादी से पहले ही अपनी लाइलाज बीमारी के चलते मनमोहन देसाई ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद नंदा ने कभी दोबारा शादी नहीं की। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थीं। उन्होंने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार निभाया करती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस इमेज को बदला और फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया। 1944 में जब वह सिर्फ 5 साल की थी, एक दिन स्कूल से लौटते समय उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने पड़ेंगे। बता दें, नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल एक्टर और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा बहुत नाराज हो गई थी। एक इंटरव्यू में नंदा ने बताया था, मैंने पिताजी से कहा मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी, हालांकि माँ के समझाने पर शूटिंग पर जाने को राजी हो गई। वहाँ मेरे बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। फिल्म के निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी आ गई। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था।